YouTube पे आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को OnePlus के डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशंस और उसके प्राइस और रिलीज डेट क्या होगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और अब हमें ये भी पता लग गया है कि OnePlus कब रिलीज़ होने वाला है और उसका प्राइस कैसे क्या होगा, क्योंकि वो एक बजट सेगमेंट में लॉन्च होगा। बट अभी रिसेंटली MKBHD ने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर ये पता लग गया कि OnePlus का डिज़ाइन कैसा दिखने वाला है और एग्जैक्ट उसका रियल डिज़ाइन दिखाया है, क्योंकि OnePlus के को फाउंडर ने ही खुद उसका डिज़ाइन MKBHD को दिखाया। और MKBHD अगर आप लोगों को नहीं पता तो बहुत ही फेमस टेक यूट्यूबर हैं, मैं पर्सनली उन्हें फॉलो करता हूं और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूं। तो इस वीडियो में आप लोगों को OnePlus Nord का एग्जैक्ट डिज़ाइन दिखाऊंगा और उसके क्या स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को 21 जुलाई जो उसकी रिलीज डेट है उसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं ये होगा हमारा OnePlus का डिज़ाइन। तो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा देता हूं जिससे मैं सस्पेंस को मतलब ख़त्म ना करूं, आपके एकदम एंड तक नहीं करना चाहता मैं। और इसमें आप लोगों को साफ साफ पता लग रहा होगा दो डिज़ाइन हमें दिख रहे हैं और उसका कलर है ब्लू मार्बल और ग्रे ऑनिक्स, ये शायद ग्रे एज भी हो सकता है, बट ये तीन कलर्स में हमें देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग वगैरह की अभी हम बात एकदम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। तो फ्रंट के अंदर हमें एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो हमारे लीक सामने आए थे कि जो मेन कैमरा होगा वो एक 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा होगा और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, ये मैं फ्रंट कैमरा की बात कर रहा हूँ। और इसके बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो इसका रियर कैमरा होगा प्राइमरी सेंसर वो होगा एक 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर होगा और 2 मेगापिक्सल का एक छोटा सा मैक्रो लेंस होगा जिसमें आप 4K रिकॉर्डिंग तक कर पाएंगे और 1080p तक की रिकॉर्डिंग का आप इजीली इसके अंदर कर ही सकते हैं। अब इसके फ्रंट में जो इसकी डिस्प्ले दी है ना वो है 6.44 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जिसके अंदर आप लोगों को 1080p स्क्रीन मिलेगी और साथ में ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो गारंटी मिलेगा। प्रोसेसर के बहुत सारे लीक सामने आए थे और ये सच है, इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर जो एक 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है वो हमें देखने को मिलेगा और GPU एड्रेनो का 620, साथ में ही जो इसका स्टोरेज वेरिएंट होगा वो शायद ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च होगा 128GB का और 6GB रैम के साथ, UFS 2.1 होगी इसके अंदर और साथ में जो बैटरी बैकअप होगा ना वो होगा 4000mAh का। लीक्स तो ये सामने आ रहे हैं कि 4115mAh की बैटरी होने वाली है बट अभी उसके एग्जैक्ट हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। बट इसके अंदर फास्ट चार्जर गारंटी मिलेगा 30W का जिससे आप लोग फोन को मैक्स टू मैक्स 45 मिनट से 1 आवर के अंदर कम्प्लीटली चार्ज कर पाएंगे। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशन जो हमें गारंटी 21 जुलाई को देखने को मिलने वाले हैं OnePlus के लॉन्च इवेंट में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ वो वाले फ़ोन का डिज़ाइन देख के और अगर मेरा मन होता तो शायद मैं वो फ़ोन खरीद भी लेता, बट इसके अंदर बहुत सही सही स्पेक्स दे रहे हैं। और अब मेन बात कर लेते हैं कि ये लॉन्च कब होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 21 जुलाई को इसकी रिलीज डेट है, तो तब हमें इसका ऑफिशियल डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। एक ही स्टोरेज वेरिएंट में ये लॉन्च होगा और साथ में तीन कलर्स में देखने को मिलेगा, ब्लू मार्बल जो भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रे ऑनिक्स और ग्रे एश। अब प्राइस की बात करें जो सबसे इसका मेन हाईलाइट होगा, तो इसका जो प्राइस है ना वो अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 28 से 30 हज़ार रुपये के बीच में, शायद इसका प्राइस 32 हज़ार भी हो सकता है बट इट डिपेंड्स ऑन देम। तो देखते हैं इसका प्राइस क्या होगा, बट ये इसी के बीच में होने वाला है और इसमें सारे ही लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या होगा, डिज़ाइन तो इसका ऐसे ही होने वाला है, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि मार्केट में कैसी धूम मचाता है और कैसा लोगों का इस फीडबैक रहता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।